हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी रेसिपी है फ़िश फ्राई। आप में से कुछ लोगों को फ़िश फ्राई पसंद नहीं होगी, लेकिन जो तरीका मैं आपको बताऊंगी आपने अगर उस तरीके से बनाया तो आई एम श्योर आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर फ़िश लिया है, उसे अच्छी तरह से वॉश करके थोड़ा सा कट कर लिया है। अगर आपको फ़िश की स्मेल आती है इसलिए आपको नहीं पसंद है, तो आप उसे वॉश करते टाइम उसमें चावल का आटा या गेहूं का आटा ये डालकर अगर उसे वॉश करेंगे तो उसकी स्मेल बहुत हद तक कम हो जाएगी। तो इस तरह फ़िश की स्मेल काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। फिर एक पेस्ट तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैंने बहुत सारा लहसुन लिया है। आप जितना ज़्यादा लहसुन लेंगे उतना ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। फिर उसके बाद मैंने उसमें कोथमीर और दो मिर्ची डाली है। मिर्ची आप आपके हिसाब से भी डाल सकते हैं, आपको जितना तीखा या जितना कम तीखा पसंद है। और फिर इसका एक पेस्ट तैयार कर लेना है। तो आप देख सकते हैं मैंने कोथमीर मिर्ची और लहसुन को अच्छे से पीस लिया है और इसका अच्छा पेस्ट बना लिया है। फिर उसको इस फिश पर डालेंगे। इस फिश पर मैंने 1 टेबल स्पून नमक पहले से ही डाल के रखा था। और अब इसमें कुछ मसाले डालेंगे, जैसे 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/2 टेबल स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर। आप इसे कम ज़्यादा भी कर सकते हैं क्योंकि हमने चिली पेस्ट में भी ऐड की है। और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमें इसे फिश पर अच्छी तरह से लगाना है क्योंकि हर एक पार्ट पर मसाला जो है वो अच्छी तरह से कोट हो जाना चाहिए। अब आप देख सकते हैं फिश पर जो है वो अच्छी तरह से मसाला लग चुका है। अब आधे घंटे के लिए इसे रेस्ट करने के लिए रखें। आधे घंटे के बाद एक पैन में 3-4 टेबल स्पून ऑयल लेना है और इसे गरम कर लेना है अच्छी तरह से। जब तेल गरम हो जाए तो एक एक करके फिश को पैन पर डाल देना है। देख सकते हैं मैंने एक एक करके डाल दिया और फिर जो मसाला जो बचा था वो भी उसके ऊपर डाल देना है। और इसे 5-7 मिनट्स पकाना है, 1-2 मिनट हाई फ्लेम पर और बाकी मीडियम फ्लेम पर। अभी 8 मिनट हो चुके हैं तो मैं 8 मिनट के बाद जो है फिश टर्न कर दूंगी। अच्छी तरह से पलटना है। और इसे फिर से 7-8 मिनट तक पकाना है मीडियम फ्लेम पर। और जब 7-8 मिनट हो जाए तो आप इसे निकाल लें और आपकी फिश फ्राई रेडी हो जाएगी। और आई एम श्योर कि आपको ये बहुत पसंद आएगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।